भाई मैं आपको इतनी देर से कह रही हूँ, आपको समझ क्यों नहीं आ रही? देखिए, आपका इस वक्त यहाँ पर आना बहुत जरूरी है भाई। प्रोफेशनलिज्म कोई चीज होती है, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जल्दी भेज दें, बहुत देर हो गई है। शर्मीन, तो इतने कम टाइम में इतना बड़ा ऑर्डर कैसे पूरा करेगी? क्या जरूरत थी ओखली में सर देने की? हो जाएगा पप्पू, आप परेशान मत हो। कैसे हो जाएगा? मैं भी बराए नाम ही तेरी मदद कर रही हूँ, तू कैसे करेगी? वो शकीला बाजी है ना? कौन शकीला? वो जो पड़ोस में रहती हैं, आपने जिनके बारे में बताया था कि जिनके शौहर की वफात के बाद उनके हालात बहुत खराब हैं। आप एक काम करें, आप उनको और कुलसूम को बुला लीजिए, वो आके हमारी हेल्प कर देंगी। हाँ, लेकिन उनको पैसे कैसे देंगे? पैसे तो आ ही रहे ना, तो कुछ मैनेज हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। और फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि उनके नसीब से हमारा भी रोजगार बढ़ जाए। तेरी नीयत इतनी अच्छी है ना, इसीलिए अल्लाह तेरे लिए रास्ते खोल देता है। मैं उनको भी बुला के लाती हूँ, मैं जाती हूँ। क्या जरूरत थी? हाँ, क्या जरूरत थी अदनान भाई तक ये बात पहुंचाने की? मेरा वो मतलब नहीं था। अरे यार, कुछ भी मतलब था तुम्हारे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालात का तकाजा ये है कि अपने मुंह को कम से कम खोलो। वो मैंने सोचा कि अदनान भाई को बता देती हूँ, बात कर लेंगे, ऐसा ना हो ना कि बात आगे जाके बिगड़ जाए। पर यार, कितनी बार कहूँ कि अपने भूसे भरे दिमाग को ना कम से कम इस्तेमाल कर। सही कहा आपने, मैं इस घर की लगती क्या हूँ? मुझे क्या जरूरत है किसी और के मामला में बोलने की? अरे यार, कहाँ की बात को कहाँ जोड़े जा रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ मैं। हाँ, कह तो आप ऐसे रहे कि कुकी के सारे मामले की जिम्मेदार मैं ही हूँ अकेली, है ना? या मेरे मौला, कैसे समझाऊं इस औरत को? आप करें तो ठीक है, मैं करूँ तो गलत है। हाँ, आपने भी तो इनकार किया था ना जेवर लेने से। ठीक है, आप ठीक है, मैं गलत हूँ। फरिया, मेरी एक बात जान, अगर मेरी बहन का घर खराब हुआ ना तो क्या कर लेंगे आप? तो घर तुम्हारा भी नहीं बचेगा, समझी?